हिमाचल प्रदेश में दो दिन से तेज बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में लैंडस्लाइड, बादल फटने और भारी बारिश से राज्य में काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। साथ ही अलग अलग घटनाओं से 52 लोगों की जान चली गई है। राज्य में आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार आपदा के कारण राज्य में अब तक 752 सड़कें बंद हैं और साथ ही कालका शिमला रेलवे ट्रैक भी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है। मौसम विभाग ने राज्य में 16 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि शिमला के समर हिल इलाके में स्थित शिव मंदिर बावड़ी भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड की चपेट में आ गया। इस दौरान 30 से ज्यादा लोग मलबे में दब गए। अब तक 2 बच्चों और 7 अन्य लोगों के शवों को निकाला जा चुका है, बाकी की तलाश भी की जा रही है। इस दौरान खुद हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ग्राउंड लेवल पर आकर विजिट किया। उन्होंने शिमला शिव मंदिर को लेकर भी बताया और साथ ही बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। साथ ही मुख्यमंत्री ने बताया कि भारी बारिश के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन में भी काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने आंकड़े देते हुए बताया कि 50 से ज्यादा लोगों की जान अब तक राज्य में जा चुकी है। सुनिए क्या कुछ मुख्यमंत्री ने कहा। जो भी परेड में पुलिस और SDRF के जवान भाग लेते थे, उनको भी इस परेड से निकाल दिया गया और कोशिश ये की जा रही है कि जो दबे हुए लोग हैं उसमें से कोई अगर व्यक्ति बच सकता है तो उसको निकाला जाए, जिसकी संभावना कम होती जा रही है। और हमारे प्रयास है कि जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया है उनके परिवार के सदस्यों को तो हम ला नहीं सकते, लेकिन उनकी जिंदगी दोबारा बसाने की हमारी सरकार कोशिश करेगी। मैं हॉस्पिटल भी गया, प्रभावित लोगों से मिला, शिप बॉडी में जो दबे लोगों उनसे मिला। उनका कहना है कि तकरीबन 30 के करीब लोग उसमें सवेरे हवन कर रहे थे, कुछ पूजा कर रहे थे। अभी तक 8 से 9 डेड बॉडी को रिकवर कर लिया गया है। हमारा ममलिक से 7 बॉडी को रिकवर कर लिया गया है। 5 बॉडी पागली से रिकवर कर ली गई है। मंडी में 9 के देहांत के समाचार हैं। हमीरपुर में 5 लोगों के मृत्यु का समाचार है। हर जगह से अभी मैंने सभी डिप्टी कमिश्नरों से बात की, इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और प्रयास ये किया जा रहा है कि किसी तरह ये बारिश भगवान की कृपा से थमे, हम अपने रेस्क्यू ऑपरेशन को और तेज कर सकें। मुझे एक दिन में अभी जो मौतों का आंकड़ा आज के दिन का है वो 50 के करीब एक दिन में मौतें हो चुकी हैं और कुछ मिसिंग है, ये मौतों का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारी बारिश के चलते मंदिर से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत हो रही है। इसके साथ साथ ही पहाड़ी इलाकों में अभी भी पत्थर गिर रहे हैं। SDRF, ITBP, पुलिस और स्थानीय लोग रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। शोगी आनंदपुर सड़क पर बादल फटने से खेतों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। शिमला के ढली के इंद्रनगर और ढली बाईपास में भी अब तक का वाहन मलबे की चपेट में आ चुके हैं। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के पुस्तकालय भवन के नीचे भी दरार आ गई है। लगातार हो रही भारी बारिश के चलते, पहाड़ से गिर रहे पत्थरों के चलते और साथ ही मंदिर के लैंडस्लाइड के चपेट में आने के चलते लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब तक मंदिर के ऊपर भी कई पेड़ गिर चुके हैं, इससे ज्यादा नुकसान हुआ है। इसके साथ साथ ही SDRF, ITBP, पुलिस और स्थानीय लोग जो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में हैं, उन्हें भी ऑपरेशन के दौरान काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लैंडस्लाइडिंग के लगभग 5 घंटे बाद रोड ठीक करके मलबा हटाने के लिए JCB मशीन को भी मौके पर लगाया गया है। हिमाचल प्रदेश में पिछले 2 दिन से काफी ज्यादा नुकसान हुआ है और लगातार भारी बारिश के चलते कई घर, मंदिर, विश्वविद्यालय, कॉलेज, इंस्टीट्यूट सब चपेट में आ गए हैं। साथ ही लोगों को भी अपनी जान गंवानी पड़ रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अब ताज़ा अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ। नमस्कार।